चॉइस। सो सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर ऑप्शन गिवन। In question 1 to 20. So what is shown in this case? There is dilute hydrochloric acid and sodium carbonate. So it is observed that on passing the gas in the reaction in solution X, solution X turns milky and then colorless. Why? The option that justifies the above statement that X is aqueous calcium hydroxide and it turns milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time become colorless due to formation of calcium carbonate. It turns milky due to formation of calcium carbonate and on passing excess carbon dioxide it become colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water. It turns milky due to passing of carbon dioxide through it. It turns colorless as on further passing carbon dioxide sodium hydrogen carbonate is formed which is soluble in water. Carbon dioxide is liberated during the reaction turns lime water milky due to formation of calcium hydrogen carbonate and after some time it turns colorless due to formation of calcium carbonate which is soluble in water. क्या होता होगा? ऑप्शन बी. इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड पासिंग एक्सेस सीओ टू बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वॉटर. सी फर्स्ट वॉट इज हैपनिंग, देर इज डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इजंट इट एंड there is sodium carbonate. So the reaction taking place in the test tube is Na2CO3 sodium carbonate plus HCl. Sang bala rudra kay tay tyachyamade NaCl correct plus CO2 plus H2O. Plus H2O, isn't it? Need to balance, miss. लिखने को बोला नहीं है, ऐसे हम रिवाइज करने के लिए पूरा रिवाइज करेंगे करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं. Like this, then what will happen? वो ट्यूब में क्या जाएगा? इस ट्यूब में क्या जाएगा? अरे वो जो प्रोडक्ट तैयार हुए है सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उसमें से ट्यूब में क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा क्योंकि वो गैस है. बाकी वाटर लिक्विड है, वो नहीं जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा और सोडियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व स्टेट में रहेगा. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गया. तो एक्स क्या है? एक्स क्या बोला है? X is aqueous calcium hydroxide, ठीक है. तो इसमें जाके calcium hydroxide में carbon dioxide gas जाके फिर क्या बनेगा? Calcium carbonate plus water H2O. लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उसमें हमने carbon dioxide छोड़ा तो जो मिल्की बना था वो फिर से कलरलेस बनता है. वो क्यों होगा? क्योंकि CaHCO3 बन जाता है. सही बात है. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है. CaCO3 plus
ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कुछ, लेकिन और कई तरह के सवाल आ सकते हैं, इसलिए हम रिवाइज करते करते ये सारा रिवाइज कर रहे हैं। प्लस H2O प्लस CO2, ये मिलके क्या बनता है? CaHCO3 ट्वाइस, और ये एक्वस होता है यानी पानी में डिजोल्व होता है ये, इसलिए फिर से वो कलरलेस होगा। तो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसोल्यूबल, दैट्स वाई इट टर्न्स मिल्की। एंड आफ्टर सम टाइम द सोल्यूशन बिकम क्लियर बिकॉज ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो थोड़ा सा ये डिटेल में ऐसे एक एक स्टेज दिया है, तो तुम्हारा उसका वर्बल एनालिसिस अच्छा होना चाहिए क्या क्या है। ऐसे इंग्लिश हिंदी बेकार है रे, इंग्लिश कहाँ है, कैसे सॉल्व किया आपने ये? द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो इसमें वो रिएक्शन याद आनी चाहिए, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इन थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन हमें एक तो FeSO4 की रिएक्शन दी गई है, और या तो फिर लेड नाइट्रेट की वो थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन दी गई है। तो इसमें क्या करना चाहिए, जितने भी सारे रिएक्शन दिए गए हैं ना टेक्स्ट बुक में, वो एक बार अच्छी तरह से लिखने चाहिए पेपर पे, और वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। तो यहाँ पे PbNO3 ट्वाइस, और उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखने को आना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए नहीं, लेकिन अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें यू विल हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बताओ क्या होगा उसका थर्मल डिकॉम्पोजिशन करने के बाद? PbO बनेगा विच इज सॉलिड, यस। फिर बनेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और फिर बनेगा O2, ये गैस है। हाँ, अभी ऑक्सीजन तो ब्राउन फ्यूम नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन तो कलरलेस गैस है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन तो ब्राउन फ्यूम किसके बने? तो ब्राउन फ्यूम किसके बने? ब्राउन फ्यूम सिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, तो ये ब्राउन कलर का फ्यूम उसमें से निकलेगा। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, कैसे बैलेंस करोगे सिया, क्या करना पड़ेगा? फोर नाइट्रोजन कहाँ से ला ले? डायरेक्ट कैसे कैसे बोल सकते हो फोर नाइट्रोजन? कहीं से तो स्टार्ट करना चाहिए बैलेंस करना, कहाँ से चालू करेंगे इसको बैलेंस करना? किसको? ओ को इवन करेंगे, दैट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विथ। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 है, तो इसको तो 2PbO लिखते हैं। तो 2PbO लिखा तो यहाँ पे 2PbNO3 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2PbNO3 लिखा तो नाइट्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 लिखने चाहिए। यस, सो दिस इज हाउ इट विल टेक प्लेस, एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द आंसर। MnO2 प्लस XHCl गिविंग यू MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। ओके, वी विल ट्राई टू बैलेंस इट। यहाँ पे लिखते हैं ऐसे MnO2 प्लस HCl
ये कौन सी रिएक्शन है? ऐसे ही हम रेडॉक्स टाइप रिएक्शन है जिसमें कौन रिड्यूस हो रहा है? MnO2 रिड्यूस हो रहा है. कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है. वेरी गुड. कहां से शुरुआत करते हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स. हां, Cl के साथ करते हैं. तो Cl कितने हैं यहां पे? तो ये अगर 4 है तो ये कितने हो जाएंगे? 2. बस हो गया. एक मैंगनीज, दो ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन. तो X, ये HCl वाला ये X है, फिर वाटर वाला Y है और क्लोरीन वाला Z है. तो इट इज 4, 2, 1 ना. हाँ, बी बताया था शायद, नहीं सी बताया था. सही बात है. तो ये ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है, वो कैसे बैलेंस होता है. रिडॉक्स रिएक्शन है. यहाँ पे देखो, इट इज अ डिफरेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मुझे कौन बताएगा? केशव, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 है, ये मान के चलो. तो एक ऑक्सीजन का -2 है, दो ऑक्सीजन का हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए मैंगनीज का हो जाएगा +4. तो ऐसे ही याद रखा है क्या? रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा. क्यों रिड्यूस होता है? व्हाट इज रिडक्शन? वो MnO2 है ना. हाँ, जाके वो हट जा रहा है. अच्छा, हट जा रहा है इसलिए. और यहाँ पे देखो, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगा. अभी ऑक्सीजन कभी कभी -1 दिखाता नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है. हाइड्रोजन परऑक्साइड में, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, वो छोड़ो. तो ऑक्सीजन का हमेशा -2 लेके हम करेंगे यहाँ पे. और क्लोरीन का कितना है? -1. तो दो क्लोरीन का मिलके कितना हो गया? -2. तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंगनीज का कितना हो गया? +2. तो इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन इन द पॉजिटिव चार्ज. अभी यहां पे क्लोरीन का कितना है? हाइड्रोजन का +1 है, तो क्लोरीन का कितना है? -1. और क्लोरीन गैस में क्लोरीन का 0 होगा, तो ये -1 से 0 हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग. यस, सो दैट्स व्हाई इट्स रेडॉक्स रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज रिड्यूसिंग, सो इट्स रिडक्शन. And oxidation state of chlorine is increasing. That's why it's oxidation. वो अलग था question, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन reduce हो रहा है, कौन oxidize हो रहा है. Table below gives information regarding pH and nature of acidic basic of 4 different solution. Which option table is correct? अरे पढ़ने तो मुझे. A में lemon juice दिया है, orange आता है, और पीएच वैल्यू 3 है. बेसिक नहीं, लेमन जूस तो बेसिक नहीं होता, ये रॉन्ग है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया है, ब्लू दिया है, 10 दिया है, बेसिक हो सकता है. गैस्ट्रिक जूस रेड दिया है, 6 दिया है, एसिडिक नहीं, लेकिन गैस्ट्रिक जूस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका तो 6 नहीं होगा. प्योर वाटर येल्लो दिया है, 7 न्यूट्रल करेक्ट है, लेकिन येल्लो नहीं होता कलर, ग्रीन होता है यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग है. तो ये तो इसमें हमें पीएच वैल्यू के साथ साथ और क्या, पीएच पेपर का कलर भी याद रखना चाहिए. तो क्या होते हैं कलर? अरे क्या हो रहा है ऐसे, पीएच स्केल कलर कैसे होते हैं उसके? यहां पे ये कलर याद रखने चाहिए. तो गैस्ट्रिक जूस का कलर क्या होगा? ऑरेंज होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है, तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो ग्रीन, 7 ग्रीन है. जो वीक एसिड्स है, वीक एसिड, वो फिर येलो की ओर जाते हैं, और फिर वीक बेसिस ब्लू की ओर जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वायलेट की ओर जाते हैं. तो रेड से वायलेट, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रेड, ऑरेंज, येलो, देन ग्रीन,
ब्लू और फिर वॉयलेट, एसिडिक न्यूट्रल अल्कलाइन, तो ये भी याद रखना है। फिर किसका क्या होगा, देखो गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पे दिया है 1, सो इट विल बी ऑरेंज इन कलर। डिस्टिल वाटर का 7, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का इट विल बी 10 एंड ब्लू। लाइक दिस आपको कलर भी याद रखने हैं, कौन सा केमिकल का पीएच क्या होता है वो भी याद रखना है। तो एमसीक्यू इतने आसान नहीं है जितने हम समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर याद है तो ही वो सॉल्व कर सकते हैं। मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस, व्हेन एक्स इज बर्नट इन एयर इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाई? एक्स इज एल्यूमिनियम एंड वाई इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कहां से पता चला? एक तो एम्फोटेरिक नाम से पता चला, एम्फोटेरिक तो दो है, एक तो एल्यूमिनियम है दूसरा जिंक है, लेकिन थर्मिट रिएक्शन में एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो उसकी खोज हो गई। अरे क्या है, हिंदी 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 हिंदी। सिलेक्ट वॉशिंग सोडा, यस, ये क्यों नहीं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें 10H2O होता है, ये कौन है बाय द वे? बेकिंग सोडा है। ये तो इक्वेशन ही रॉन्ग है, और ये क्या है? कॉस्टिक सोडा है, तो ये भी इसे नाम याद आने चाहिए। कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ए बी एंड सी, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो हम देख के रखते हैं, ये पहला क्या है? ये साइक्लो हेक्सेन, दूसरा क्या है? बेंजीन, और तीसरा क्या है? कुछ अलग ही है, बेंजीन नहीं, नहीं हाँ तीसरा बेंजीन नहीं, यहाँ अब एक है हेक्सीन, हाँ हेक्सीन हेक्सीन है, पण हेक्सीन मध्ये पण दोन डबल बॉन्ड आहेत, हेक्स काहीतरी काहीतरी असं जाऊ दे, पण आपल्याला क्वेश्चन्स काय विचारलेत? ए अँड सी आर आयसोमर्स ऑफ हेक्सेन अँड बी इज बेंझीन। ए इज एन आयसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंझीन अँड सी इज आयसोमर ऑफ हेक्सीन। A is saturated cyclic hydrocarbon and B, C are unsaturated cyclic hydrocarbon. A is cyclohexane and B and C are isomers of benzene. C. A जो है वो saturated hydrocarbon है because it contains all single bonds. While B and C are unsaturated because they also contain double bonds. हेक्सेन के आइसोमर है ही नहीं ये, साइक्लोहेक्सेन इज नॉट आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ये जो उसका केमिकल फॉर्मूला निकालेंगे इट विल बी C6H12, तो ये किसका आइसोमर है फिर? हेक्सेन का आइसोमर है ये, हेक्सेन, और उसका नाम क्या है खुद का? साइक्लोहेक्सेन। क्यों होता है ये? हेक्सेन होते हुए भी CnH2n+2 क्यों नहीं होता? अभी तुम हेक्सेन, हाँ रिंग स्ट्रक्चर बना तो क्या होता है, आखिरी का कार्बन होता है वो पहले के कार्बन को बाउंडेड होता है, यानी एक सांप है जिसने अपना मुंह नहीं, जिसने अपने मुंह में अपनी पूंछ पकड़ के रखी है, तो क्या होता है लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन उसकी एक एक वैलेंसी वो खुद एक दूसरे के साथ फुलफिल करते हैं, तो दो हाइड्रोजन कम लगते हैं उन्हें, करेक्ट। या अगर स्ट्रेट चेन होता तो पहला कार्बन और आखिरी कार्बन दोनों को एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगता, आ रहा है समझ में बात? अगर ये ऐसे स्ट्रेट चेन होते तो यहां पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगता, यहां पे एक फिर एक्स्ट्रा लगता, तो यहां दो दो तो सेम है, लेकिन अभी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन उसको कम लगते हैं, इसलिए वो अल्कीन के आइसोमर होंगे नॉट अल्केन। ये C6H6 है
और ये तो बेंजीन हम सबको पता है, लेकिन ये सी सिक्स एच सिक्स नहीं है, ये क्या है? सी सिक्स और एच कितने हैं यहाँ पे? दो तीन चार छ सात आठ, आठ। तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी की ए इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इवन दो उसका आइसोमर अल्कीन है लेकिन वो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बी सी आर अनसैचुरेटेड। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब। फंगी राइजोपस। यस। और टेपवर्म कस्क्यूटा क्या करते हैं? पैरासाइट है वो, क्या करते हैं वो उसके बॉडी में, वो डाइजेस्टेड फूड पूरा एब्जॉर्ब करते हैं, उतना भी श्रम नहीं उठाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ये राइजोबियम भी वैसा है, वो सिम्बायोटिक लाइफ जीता है इसके साथ, लेकिन ये राइजोपस है वो ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिलेक्ट विच इज नॉट करेक्ट। Length of small intestine in animal differs as it depends on the type of food they eat. True or false, Rudra? True. किनके small intestine ज़्यादा लंबे होते हैं? Herbivores. क्यों? Cellulose. Cellulose digest करना होता है। और किनके कम होते हैं? Carnivores. क्यों? क्योंकि उन्हें cellulose digest करना नहीं होता। तो शिकार करना शेर की choice है या मजबूरी? मजबूरी है बेचारा, कल से घास खाने लगे तो पेट दर्द होने से मर जाएगा। तो नॉट करेक्ट बोला है, तो आगे देखना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ट्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। ट्रू। विलाय ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये फॉल्स है। ये स्मॉल की जगह क्या होना चाहिए था? लार्ज, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जानते हैं? मराठी मध्ये आतड़ो म्हणतात। हाँ, अला कसला हुशार है। क्षुद्रांत्र आंत्र, आंत्र याने ऐसे बोला है, आंत्र नहीं और कुछ होगा शब्द। अच्छा, ये बहुत ही साइंटिफिक शब्द है आंत्र। द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन इन इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पेसिस, स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम। अ जीन इज नॉट इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन located all along its length. All the inherited traits in human being are not controlled by genes. In individual of given species, specific gene is located on a particular chromosome. Correct. Select the correct statement about tropic movement in plant. It is due to stimulus of touch and temperature. It does not depend on direction of stimulus received. It is observed only in roots and not in stem. It is a growth related movement. Select the incorrect match between plant and its vegetative part. अरे एक एक करके देखते तो है। Bryophyllum leaf, correct है। Potato stem, correct है। Money plant stem, correct है। Rose root is incorrect. क्या? हाँ, हो सकता है स्टेम से। इफ फोर रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 8 ओहम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज टू गिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RS, देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RP, देन RS बाय RP इज। नहीं, ऐसे मत बोलो जरा। अरे तुमने सॉल्व किया है तुम तीनों ने, बाकी लोग तो पहली बार देख रहे हो कि नहीं सौम्या? तो इनको बोलो ऐसे मत करे, बोलो। मैं अकेला बोलूंगा तो बोलेंगे सर आप ही बोल रहे हो। तो चार रेजिस्टेंसेस है 8 ओम के, सीरीज में लगाया श्लोक उनको,
तो कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस? 32. और वही अगर पैरेलल में लगाए सौम्या तो कितना होगा? 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 दैट विल बी 4/8 रेसिप्रोकल. ये 1/RP रहेगा ना, लेकिन 1/RP तो इट विल बी 8/4 दैट इज इक्वल टू 2. तो हमें क्या निकालना है? RS 32, RP 2. कितना आएगा रेशियो? हाँ, अभी ऐसे बोलो कि 69. इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स वायरिंग ऑफ 15 एम्पियर करंट इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस व्हिच हैव हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, लोअर पावर रेटिंग सच एज फैन, मेटालिक बॉडी एंड लो पावर रेटिंग, नॉन मेटालिक बॉडी एंड लो पावर रेटिंग. ए, हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, गीजर, हीटर, दे टेक मोर करंट. करेक्ट. 15 एम्पियर करंट का मतलब क्या है? वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट, तो क्या उसमें क्या होगा? हाँ, लेकिन वो वायर अलग होगी यानी क्या होगा अलग? वो 3-पिन वाला नहीं, 3-पिन वाला ये छोटा वाला भी होता है. फ्यूज लगाते वक्त हम वहां पे 15 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, ठीक है, और वायर भी थिक मीन्स ऐसे अलग तरह का होगा. हाँ, करंट रेटिंग 15 एम्पियर का मतलब मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो इन द सर्किट इज 15 एम्पियर. हाँ, गीजर शुड टेक लेस देन 15, तो वो ग्रेटर देन 5 एम्पियर लेगा लेकिन लेस देन 15 एम्पियर लेगा. ऐसे नहीं, नहीं, रेटिंग का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल. इन द डायग्राम the position of the needle is as shown in the figure. How much is the least count and the reading? Least count पहले बताना है और बाद में reading बता रहे हैं. Least count कैसे find करते हैं हम कि कितने उसके विभाग किए गए हैं? तो 0 से 1.5 के कितने विभाग किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो least count कैसे find करेंगे? इट इज 1.5 - 0 / 10, दैट इज 0.15 क्या वोल्ट. तो लीस्ट काउंट तो 0.15 वोल्ट है. और फिर ये रीडिंग कितना है? अगर 0.15 वोल्ट है, इसका मतलब हर डिवीजन 0.15 रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये 1.5 है और उसके आगे और दो है. 1.7. तो ये कितना होगा? 1.5 + 0.15. कुछ नहीं समझा. 1.65. हाँ, देखो इसका मतलब क्या है? लिस्ट काउंट 0.15 है, इसका मतलब क्या है कि ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 0.15. तो ये 0.15 की होगी, ये कितनी होगी? 0.30. ये कितनी होगी? 0.45. ये कितनी होगी? अरे 1, 2, 3. ये कितनी होगी? 0.60. ये कितनी होगी? 0.75. ये कितनी होगी? 0.90. ये कितनी होगी? 1.05. फिर ये कितनी होगी? 20. ये कितनी होगी? 1.35. और ये होगी 1.5. वैसे ये 1.5, तो ये कितनी होगी? 1.65. और ये कितनी होगी? 1.80, मीन्स 1.8. तो लिस्ट काउंट कितना आया? 0.15. और रीडिंग कितना आया? 1.8 वोल्ट. तो समझा कैसे करने का है? ये दो एक्सट्रीम और इसके कितने डिवीजन किए हैं, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे कि 1.5 - 0.0, इसके डिवीजन कितने किए वो हमने काउंट किए,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इससे हमें मिला लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का मतलब है कि हर एक डिवीजन वो कितना आगे जा रही है। तो 0 के आगे 0.15, तो 15 का टेबल बोलते जाएंगे, 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 0.9, 1.05, फिर 1.20, 1.35, 1.50, like that, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे अगर 0 से 1 होता ये रीडिंग, अगर 1 वोल्ट होता तो फिर लिस्ट काउंट कितना होता, 0.1 होता, सही। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर ईच कैरिंग स्टेडी करंट आई, विच रूल यू हैव टू यूज हियर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग का चला राइट हैंड थंब रूल, तो करंट राइट वर्ड फ्लो हो रहा है वो उसको हाथ में पकड़ो, तो वेयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर ए बी, ऐसे पकड़ा, ए बी के नीचे है ना वो, तो यहाँ पे कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द पेपर और आउटसाइड द पेपर, नीचे विल बी इनसाइड द पेपर, सो ये इनसाइड द पेपर होगा और ऊपर आउटसाइड द पेपर, तो बोथ करंट आर सेम सिया एंड डिस्टेंसेज आर ऑल्सो सेम, सो वॉट डज दैट मीन, द टू मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि एक जा रहा है इन टू द पेपर, एक आ रहा है आउट ऑफ द पेपर, तो दे विल बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, दो वेक्टर इक्वल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लिखा है क्या? और पेपर किधर है, खो गया घर पे है। अच्छा, देर आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन, ये सबको पता है ना कैसे कैसे होता है वो, कि ए मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इज बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ कि नहीं? क्या रिएक्शन होगी, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लेड Pb गिविंग यू PbSO4 विच इज कलरलेस प्लस Cu, यस, सो ऑप्शन नंबर 1। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, एक्स क्रोमोसोम इन मैन चाइल्ड, मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, ये फॉल्स है, सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, F is ne, R is false, option number C. Blood clotting prevents excessive blood loss, true. Blood clotting is due to blood plasma and white blood cell, false. It is due to the platelets. Strength of magnetic field produced at the center of the current carrying circular coil increases on increasing number of turns, true. Current in each circular turn has the same direction and magnetic field due to each turn, just adds up. करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन ए। तो इस तरह से MCQ खत्म हो गए, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स। अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला, हेमीहाइड्रेट ना, क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP, और उसके यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, फॉल सीलिंग को, स्कल्पचर्स बनाने में, यस, सो
CaSO4. State the difference between chemical composition of baking soda and baking powder. Baking soda mein pure क्या होता है? HCO3 होता है. But baking powder में tartaric acid react करते हैं. Chemical composition. जरूरी नहीं है tartaric को. कौन सा भी edible. Any edible acid. So for making baking powder, baking soda is used. Baking powder is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate, and mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated and mixed with water, the following reaction takes place. क्या है वो बेकिंग पाउडर? क्या है? व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर? सोडियम सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड ऐसे लिख नहीं म बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसा है? बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन हां इट्स केमिकल कंपोजिशन ना, पूछते हैं गूगल बाबा को. गूगल बाबा हमें बताओ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर. Baking powder is a dry chemical leavening agent, mixture of a carbonate or bicarbonate and a weak acid. Base and acid are prevented from reacting prematurely by including a buffer such as cornstarch. Complicated हो रहा है, तो तुम जो बोल रहे हो वही लिखना चाहिए. क्या लिखना चाहिए? कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सम एडिबल एसिड, ये कॉम्पोजिशन उसका. सही बात. राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड. अरे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछा है. अच्छा CuSO4 डॉट डॉट कितना? 5H2O. व्हाट इज दैट 5H2O? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. CuSO4 डॉट 5H2O व्हेन हीटेड क्या देते हैं? CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O निकल जाते वो पानी से गैस. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग. श्लोक काय होईल? बेकिंग सोडा गरम केला. अरे ढोकळा करते मम्मी, नाही तर काय करते? केक करते. काय होईल? कुछ भी. अरे हाइड्रोजन गैस अगर किचन में तैयार हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा. हाँ, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O ऐसा हो जाएगा. 2NaHCO3. हाँ, तुला CO2 बोला था होता ना. मैं क्या और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इसको फ्लफी और क्या सॉफ्ट और क्या स्पॉन्जी और क्या नरम मुलायम बनाता है. ठीक है ना? ये कौन सी टाइप मीन्स किस टाइप की रिएक्शन है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन है. करेक्ट. राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी. ये पेपर सॉल्व करना है घर पे. अभी मैं ऐसे ही नहीं तुमको ऐसे सत्संग नहीं कर रहा हूँ. ये मैं सत्संग नहीं कर रहा हूं. ये ग्रुप पे भेजूंगा और तुम लिखोगे. ये लिखोगे ना? राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी. इंसुलिन कन्वर्ट्स शुगर्स इनटू
करेक्ट, इट्स अ फीडबैक लूप. व्हेन एवर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टन वैल्यू, इंसुलिन इज सिक्रेटेड विच डाइजेस्ट शुगर इन टू ग्लाइकोजेन. एंड व्हेन द शुगर लेवल ड्रॉप्स, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन ऑल्सो स्टॉप. अगर इंसुलिन ठीक तरह से सिक्रीट नहीं हुआ तो कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज. हाइपरग्लाइसोमिया बोलते हैं उसको, सामान्यों की भाषा में उसे डायबिटीज बोलते हैं. तो हाँ, एकदम साइंटिफिक टर्म्स में. तो डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल हाई होती है पेशेंट की, तो अनेक ऑर्गन क्या उसके ऊपर दुष्परिणाम होता है, अनेक ऑर्गन के ऊपर. हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन, अभी वो बोला ना, फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म यानी क्या, कौन उसको फायर करेगा? शुगर लेवल. व्हेन शुगर लेवल गोज बियॉन्ड अ सर्टन लेवल देन इंसुलिन विल बी सिक्रेटेड. नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड स्लैश डी ऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मेन्शनड पाथ, दैट इज फ्रॉम वन ऑर्गन टू विच ऑर्गन. वहना क्या हुआ, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी हार्ट टू लंग्स. विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. इतने एक मार्क के लिए किधर, अच्छा और है उसको. तो वो क्या स्कीमेटिक है, वो चैप्टर नंबर 5 का, ये बोलो तो शुरू करो. यस, इट ब्रेक डाउन इनटू साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन, क्या बोलते हैं उसको, पाइरुवेट, सही बात, प्लस एनर्जी. फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अगर ये वाला, हाँ यस. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी 38 ATP. अगर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं उस जीव के अंदर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो पाइरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन आइदर अल्कोहल और एसिड. तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी या फिर अल्कोहल प्लस एनर्जी, लेकिन कम एनर्जी मिलती है उसको. ठीक है, इस तरह से सही. नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. हाँ फिर सब बोलना पड़ेगा. इट कंटेन्स अ कप शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल इन विच ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. सो व्हेन द अनफिल्टर्ड ब्लड एंटर्स इन टू द नेफ्रॉन द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स इट. और उसके बाद में क्या होता है, ये सब, ये कप है, कप के अंदर वो ग्लोमेरुलस है, और फिर उसके बाद में क्या है, यू शेप ट्यूबुल. हाँ तो वो क्या करता है ट्यूबुल, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स मिनरल्स. यस, हाँ. अ नैरो बीम एक्स वाई ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ABC एज शोन इन द फिगर. Trace it on your answer sheet and show the path of emergent beam observed at screen PQ. क्या होगा? क्या? स्पेक्ट्रम निकालना था. अरे व्हाइट बोला है ना, अगर रेड बोला होता, ब्लू बोला होता तो एक ही उसमें होगा ना. इसमें रेड लाइट विल बी डेविएटेड द लीस्ट एंड वायलेट लाइट विल बी डेविएटेड द मोस्ट. सो यू विल गेट स्पेक्ट्रम, 7 रंग दिखाने थे वहां पे, इंद्रधनुष दिखाना था यहाँ.
मैंने दो ही निकाले हैं, बीच में और पांच आएंगे। सेंटर में कौन सा होगा? येलो विल बी एट द सेंटर। नेम द फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कॉज। कॉज इज कंपोज्ड ऑफ सेवन कलर्स विच हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इन ग्लास। क्यों ऐसा होता है कि वो अलग क्यों, सात भाई है साथ साथ चल रहे थे, वो अलग क्यों हो जाते हैं? फिर कांच में जाने के बाद हर एक की स्पीड बदल जाती है। रे ट्रैवल द फास्ट, बोलता है मैं तो चला आगे। वॉयलेट बोलता है नहीं रुको, कांच है जरा धीरे चलो। तो वॉयलेट ट्रैवल्स विथ लोएस्ट स्पीड, रे ट्रैवल्स विथ हाईएस्ट स्पीड। तो स्पीड बदल जाती है तो बेंडिंग बदल जाती है, बेंडिंग बदल जाती है तो स्प्लिट होते हैं। It is observed that the power of an eye to see nearby objects as well as far off object diminishes with age. Ciliary muscles are not able to compress the eye lens sufficiently because of weakening of muscles. क्या बूढ़े होते हैं यानी क्या होते हैं? शक्ति कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है तो ciliary muscle push नहीं। तो जब नजदीक का देखते हैं हम तो सिलियरी मसल को पुश करना है आई लेंस को, तो पुश नहीं कर पाती। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आईज इन सच कंडीशन। प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ। हाँ नहीं, डायग्राम में सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही दिखाना है। वो मायोपिया ये बचपन से आया हुआ चीज है ना, वो तो अगर मायोपिक आय है तो उसको बायफोकल लगाना पड़ेगा ये प्रेस बायोपिया होने के बाद। अगर मायोपिक आय नहीं है तो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़े, तो सिर्फ प्रेस बायोपिया का ही निकालो जो कॉन्वेक्स लेंस। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। कौन सा है वो? Which chapter? अरे हाँ, लेकिन नंबर बताओ, यही है ना? वो नंबर चेंज हो गए ना वो रैशनलाइजेशन की वजह से, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। ये इधर मायोपिया का नहीं दिखाना है, ये दिखाना है हाइपरमेट्रोपिया का। सो द ड्यू टू द कॉन्वेक्स लेंस द लाइट रेज आर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वर्ज, एंड दैट्स व्हाई द इमेज इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली ऑन रेटिना। हाउ डू हार्मफुल केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन? बायोमैग्निफिकेशन। करेक्ट, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे, कि एज वी गो टू हायर ट्रॉफिक लेवल द क्या बोलेंगे उसको? सर पहले तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया बायोमैग्निक, फिर एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि अभी केमिकल ये सब बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाते हैं उनको, उसके बाद फिर बड़े बड़े खाने लगते हैं। हाँ, लेकिन पेस्टिसाइड का बायोमैग्निफिकेशन क्यों होता जाता है? क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को खाते है ना। As we go to higher trophic level, वो उसके molecules increase क्यों होते हैं? देखते हैं अच्छी अंग्रेजी लिखी है क्या, ये तो ये क्या, फिर ढूंढना पड़ेगा। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन rise and increase of contaminated substances caused by intoxicating environment. The contaminant might be heavy metal, वो छोड़ो कैसे होता है, लेकिन वो biomagnification can occur when organism consume toxic chemical indirectly through food. For example, a small fish may consume the plankton that contain mercury. When larger fish eat the smaller fish, concentration of mercury in the larger fish increases. तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना कि a larger fish eats many smaller fish.
जो बड़ी मछली है वो अनेकों छोटी मछलियों को खाएगी ना, ऐसे। द प्रोसेस कैन कंटिन्यू अप द फूड चेन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्टेमिनेंट इंक्रीजिंग अंटिल इट रीचेस अ टॉक्सिक लेवल। सो बायो मैग्निफिकेशन कैन अफेक्ट हायर लेवल प्रिडेटर्स सच एज फिश, बर्ड्स एंड मरीन मैमल्स। दिस प्रिडेटर कैन एक्यूमुलेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। बायो मैग्निफिकेशन यूजली डजेंट किल एनिमल डायरेक्टली बट इट कैन कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। दिस सब्सटेंसेज कैन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हैवी मेटल सच एज मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कॉपर, लेड एंड कैडमियम। दिस हैवी मेटल कैन कॉज हेल्थ इश्यूज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। तो वो ये लिखना पड़ेगा कि मेनी एज वी गो हायर अप इन द ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटन दे इंक्रीज एंड दैट्स वाई द मैग्निफिकेशन अकर्स। चलो कहाँ तक हो गया, 26, कितने क्वेश्चन है, 39। ठीक है, बाकी के कल करते हैं।